बच्चों, आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज फ्रैक्शन। लेट्स टेक टू एग्जांपल्स, 3/4 एंड 4/3। यहाँ पे जो बेटा ये ऊपर वाली डिजिट है 3, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड ये जो नीचे वाली डिजिट है 4, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सेम ऐसा इसमें है, ऊपर वाले डिजिट 4, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड 3 जो नीचे वाले डिजिट, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है 3, वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से छोटी है, और यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर की वैल्यू है 4, वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, इसको समझने के लिए आपको मैं स्टोरी सुनाता हूं। जैसे कि हम मार्केट से एक पिज्जा लेके आए, उसके इक्वल 4 स्लाइसेस है हमारे पास, उसमें से 3 स्लाइसेस इक्वल 4 स्लाइसेस में से 3 स्लाइसेस अगर हमें मिल जाते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस एक पिज्जा का 3/4 पार्ट हमारे पास है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 में जैसे बेटा हमारे पास एक पिज्जा है, इस बार बड़ा पिज्जा, तो उसकी क्या 5 स्लाइसेस है हमारे पास। अब उन 5 में से, उन इक्वल 5 में से हमारे पास 2 स्लाइसेस अगर आ जाती हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उस पूरे पिज्जा का 2/5 पार्ट हमारे पास है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 5/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ये, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको समझने के लिए पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे ही इस बार क्या बेटा, हमारे पास 2 पिज्जा पहले से ही हैं, और जो तीसरा पिज्जा है उसके 2 स्लाइसेज हैं इस बार। तो उस 2 स्लाइसेज में हमारे पास कितना स्लाइस है, 1 ही स्लाइस है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 2/2 पिज्जा है। ओके, अभी हम फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 फ्रैक्शन लिए, मैंने देखो 2/3, 1/4 एंड 1/6। इन सभी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले ये देखेंगे कि ये तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। अभी लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो सभी फ्रैक्शन का सेम होना चाहिए। इनमें देखो सेम है क्या, ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है, ये सेम नहीं है ना। इनको सेम बनाने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर का, 3, 4 एंड 6 इनका एलसीएम करने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देन 2 एंड 3, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, एंड नाउ 3। इनका एलसीएम क्या आ गया, 12। ये लाइक फॉर्म में तब, ये लाइक फ्रैक्शन की फॉर्म में तब बनेंगे जब इनका डिनोमिनेटर सभी का 12 बनेगा। 12 बनाने के लिए इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 2/3 × 4 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना ये 12। ये देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 आ गई। ऐसे इसको करेंगे 1/4 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू 3/12। नाउ 1/6 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1/12। ये तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन बन गए, सारों में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सभी की सेम आ रही है। तो अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू सभी की सेम हो गई। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन हम पुट करेंगे, जैसे कि 2, उसके बाद में उससे बड़े वाला थोड़ा सा 3, एंड उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2/3 + 6/5। इसका ऐड करने के लिए बेटा देखो, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा, ठीक है? कैसे, 3 एंड 5 का एलसीएम आता है 15,
15 आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड करेंगे 15 में, या फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं तब हमारे पास 15 है। 3 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 5। जब इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो जो आंसर आएगा 5, इस 5 का हम इस न्यूमरेटर के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 10। सेम प्रोसेस इसमें होगा, 5 को जब इससे डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा 3, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 18। 10 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 28 एंड अपॉन 15। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका आंसर आ गया 28 अपॉन में 15। Now we are going to learn subtraction of fraction. इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखो 13 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 एंड 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 21। सेम प्रोसेस जो एडिशन में किया था, 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3। अब बेटा जो ये 3 इसका आंसर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, इसको डिवाइड किया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ आंसर इज 39 माइनस 3 डिवाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14। जब इनको सॉल्व करेंगे 39 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 21। ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, लेट्स अगेन टेक एन एग्जांपल। 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये बेटा इस केस में ना तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ना कुछ और प्रोसेस। इसमें क्या होगा, न्यूमिरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, ओके। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, इसको कैंसिल करके इसको किसी से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड हो रहा है ना ये 5 टाइम, देन 5 एंड ये 2 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, तो इसका आंसर क्या गया, 5 अपॉन 9। अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ हो तो बेटा कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये नंबर के साथ है, इसमें सिर्फ न्यूमिरेटर हमारे पास, डिनोमिनेटर हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो हमेशा कितना होता है 1, ठीक है, इज इक्वल टू न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई इज इक्वल न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। हमें जब नंबर हो या फिर कोई डिजिट हो तो उसका आप डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया करो 1, तो फिर सिंपल रहेगा ये मल्टीप्लाई करने। मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड एक और टर्म है बेटा, जैसे कि ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ऑफ, ओके, आप ऐसा कहीं भी देखते हो 3 अपॉन 4 ऑफ 5, तो इसका मतलब ये होता है 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। ये जो ऑफ है, ऑफ हमेशा मल्टीप्लीकेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इसके लिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। देखो 3 अपॉन 4 डिवाइड बाय 5 अपॉन 6, इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका, ठीक है। रेसिप्रोकल मीन जो न्यूमिरेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमिरेटर, ओके। जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5। अब मल्टीप्लाई की तरह सेम प्रोसेस होगा, इसमें क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने का मतलब 9 टाइम्स एंड 10 टाइम्स।
ये तो होता है बेटा फ्रैक्शन का, जब फ्रैक्शन के साथ डिवाइड होता है। अब अगर फ्रैक्शन का डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन के साथ हो तब कैसे करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल बोल देते हैं, 3/4 डिवाइड बाय 2 and 1/2। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल करने से पहले इस मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3/4 डिवाइड बाय मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में देखो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 multiplied by 2, 4 and 4+1 = 5, 5/2। अब इनका करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 multiplied by 2/5 = 3 multiplied by 2 = 6 and 4 multiplied by 5 = 20। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो रहा है 3 times and 10। नाउ द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डेसिमल नंबर्स। इनकी पहले प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे कुछ। बेटा जो डेसिमल के आगे जो ये पॉइंट है इसके आगे की ओर कुछ नंबर है और इसके पीछे की ओर कुछ नंबर, आगे की ओर 2 नंबर्स हैं। इनमें जो फर्स्ट की वैल्यू होती है वो होती है, इसको बोलते हैं टेंथ, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, ओके। ये जो पॉइंट से पहले आने वाले डिजिट्स हैं, ये पॉइंट से पहले आने वाला नंबर है, स्टार्टिंग का ये नंबर होता है वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, आगे जैसे थाउजेंड्स, ओके। तो इनकी हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको पुट करेंगे। हंड्रेड्स में पुट करेंगे बेटा 2, 5 को इसमें भी में टेंस में पुट करेंगे एंड 3 को पुट करेंगे वंस में। अब पॉइंट से आगे आने वाला डिजिट ये 4 है, इसको 10th में पुट करेंगे एंड 6 इसको करेंगे 100th में। एज इट इज बेटा ये जो नेक्स्ट का एग्जांपल है 514.35, इसमें भी ये पॉइंट के आगे आने वाले 2 डिजिट्स, इसमें ये वैल्यू 10th की हो जाएगी एंड ये 100th की हो जाएगी एंड ये पॉइंट से पहले आने वाला वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ओके। तो पुट करते हैं वैल्यूज की 5, 1, 4, 3 एंड 5। अब जैसे कि इसको ये एग्जाम्पल लेते हैं 5, 1, 4.35। इसको अभी एक्सप्रेस करना सीखेंगे बेटा। देखो कैसे करेंगे, पॉइंट के आगे 2 डिजिट हैं एंड पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, ओके। तो इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको पुट करेंगे। देखो 5, ये 5 कौन सी वैल्यू है, ये हंड्रेड्स वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसको ऐसे पुट कर देंगे 5 multiplied by 100 plus, अब ये वन कौन सी वैल्यू थी, 1, ये बेटा टेंस की वैल्यू थी ना, देन 1 multiplied by 10 plus, अब ये फोर वंस की वैल्यू है, देखो 4 इसकी वैल्यू है वंस की, देन 4 multiplied by 1 plus। ऐसे ही क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट के आगे वाले डिजिट्स हैं इनको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये थ्री कौन सी वैल्यू थी, ये टेंस की वैल्यू थी, देन 1/10 मींस 3 multiplied by 1/10 plus 5। 5 कौन सी वैल्यू, ये थाउजेंड की वैल्यू थी, सॉरी हंड्रेड की वैल्यू थी, देन 5 multiplied by 1/100। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके। नाउ वी लर्न हाउ टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस एग्जांपल को देखो हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, पॉइंट के आगे एंड पॉइंट के पीछे एक एक डिजिट है बेटा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 6+3 = 9 एंड 1+2 = 3, बीच में इनके पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट जो पॉइंट के आगे एंड पॉइंट के पहले डिफरेंट नंबर मिले, जैसे 2 and 3 नंबर अलग अलग मिले, तो कैसे करेंगे बेटा, जस्ट लाइक 2.32+6.1। इसमें देखो क्या हो गया, पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट के आगे 1 0 और पुट कर सकते हैं ताकि नंबर्स जो नंबर्स है वो सब इक्वल हो जाए, ठीक है। देन 2+0 = 2, 3+1 = 4, 0.2+6 = 8।
जब डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं चाहे किसी दूसरी डेसिमल नंबर के साथ या फिर किसी नंबर के साथ, तो देखो कैसे होता है, एक नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह होता है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे पॉइंट ना हो तब एक बार सोचो 12 × 5 = 60। तो इसमें बेटा पॉइंट लग गया, तो पॉइंट का क्या हो गया, देखो पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है, इस वाले में कोई पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डिजिट को छोड़ के राइट हैंड साइड से यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। ओके, देन 1.2 × 5 = 6.0। ठीक है, इस बार देखो इसमें एक बार पॉइंट को रिमूव करते हैं। अब इसका नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 26 = 260। अब अगर पॉइंट होगा तो कैसे करें, पॉइंट के आगे एक डिजिट एंड पॉइंट के आगे एक डिजिट, दो डिजिट हो गए टोटल। तो राइट हैंड साइड से टू डिजिट्स को छोड़ के यहां पॉइंट लगा, 1.0 × 2.6 = 2.60। ओके बेटा, इस बार देखो दोनों में और फिर से मल्टीप्लाई है पॉइंट्स के, ये डेसिमल्स के नंबर्स में, तो पॉइंट एक बार रिमूव कर दो। जब आप 15 × 12 करोगे इसका आंसर आएगा 180। तो अब एक बार पॉइंट के साथ करके देख, पॉइंट के आगे एक डिजिट है, पॉइंट के आगे एक डिजिट, टोटल कितने डिजिट हो गए, 2। देन राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा, अगर पॉइंट के आगे 3 होता तो राइट हैंड साइड से 3 छोड़ कर जाते, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह होगा, लेकिन बस थोड़ा पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, डिवीजन में क्या होता है बेटा, जब किसी नंबर को 10 से 100 से या फिर 1000 से डिवाइड करवाते हैं, तब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ कि लाइक 2 / 10, 2 / 100 एंड 2 / 1000। इनको कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्टली आप डिवाइड मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसका एक इजी पैटर्न है कि जितने जीरो होते हैं राइट हैंड साइड से ऊपर वाले डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। देखो जैसे यहाँ पे नीचे एक जीरो है हमारे पास, देन इसका आंसर 2.0, राइट हैंड साइड से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, आगे इसकी यहाँ पे पीछे यहाँ पे जीरो कर दो, इसमें बेटा ऐसा हो जाएगा 2.0, 2 डिजिट हो गई बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो है, एंड पॉइंट एंड पॉइंट के पीछे भी हम क्या करेंगे, 1 जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखो बेटा 1, 2, 3, यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0.0, राइट हैंड साइड से हमने 3 डिजिट्स को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाया। ओके, अब देखो अगर डेसिमल का और किसी डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करो, कैसे, 2.1 / 6.23, इसको कैसे सोल्व करें, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करना राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे पहले पॉइंट कहां पे है, देन 1 डिजिट को छोड़ के यहां पे हमारा पॉइंट है, तो इसके क्या करेंगे बेटा 2.1/10 डिवाइड बाय, इसमें देखो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 1, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा, देन 6, 2, 3 / 100। अब सेम जैसे डिवाइड किया था वही प्रोसेस होगा, 21/10 × 100/623। तो बेटा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, 21 × 10 = 210 एंड 623 × 1 = 623। अगर ये सोल्व हो रहा हो, आगे सिंप्लीफिकेशन हो रहा होता तो आगे करेंगे, अदरवाइज इसको यहां तक ही रन करेंगे।